अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, और गाजर के हलवे के लिए ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ी ऊपर हैं ये गाजरें, जिसे मैं अपना छील के और इसकी मदद से कद्दूकश कर लूँगी। कद्दूकश करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि हमने इसे किस तरीके से पकाना है। पहले मैं इसे साफ़ करके, पहले ये छिलके इसके उतार के और अपना जो है कद्दूकश कर लूँगी। और छिलके जो है मैं इसकी मदद से इस तरीके से यूं करके, ये देखें, इस तरीके से मैं उतारूँगी सबके। और ये साइडें जो हैं ये मैं छुरी से काट लूँगी, ये वाला हिस्सा जो है इसका, और थोड़ा सा ये आगे वाला हिस्सा भी जो है ज़रा ज़रा सा मैं, ये जो आगे आगे का हिस्सा भी है ये भी मैं थोड़ा सा काट लूँगी, और ये हिस्सा भी काट लूँगी। और फिर इसकी मदद से मैं सब छिलके उतार के फिर इसके कद्दूकश कर लूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, हमने दूध रख लिया है। अच्छा, आधा किलो गाजरें हैं तो इसमें एक किलो दूध जाएगा। इस एक किलो दूध अपना, क्योंकि इसी दूध में हमने गाजरों को पकाना है, और ये खुला दूध है, आप चाहें तो अल्पस का भी ले सकते हैं। मैंने खुला दूध लिया है, ये एक किलो है। जब इसको थोड़े से उबाले पड़ेंगे तो ये जो हमने कद्दूकश की हुई है ये गाजरें, ये देखें मैंने कितनी बारीक कद्दूकश की हुई है। ये गाजरें जो हैं मैं इसमें दूध में शामिल कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, दूध को उबाले पड़ गए हैं, और ये 8-10 जो हैं इलायची के दाने, ये मैं साबुत इसमें शामिल कर दूँगी। और अब ये जो अपना कद्दूकश की हुई गाजरें हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, गाजरें मैंने डाल दी हैं। अब इस दूध को हमने इसी गाजरों में जो है सुखाना है, बिल्कुल खुश्क करना है, जब तक ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाए। जब ये बिल्कुल खुश्क होगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, दरमियानी आँच पर हम इसको पकाएँगे अच्छे तरीके से। देखिए, हम इसे पका रहे हैं। अब इसका दूध थोड़ा सा कम रह गया है। अब इस कंडीशन में आते मैं इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर दूंगी, ताकि चीनी भी इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। और चीनी मैंने इसमें लिए, जो खाने के चम्मच हैं वो 5 लिए हैं मैंने, ये चीनी में शामिल कर दूंगी इसको। चीनी आपके ऊपर बेजायका है, अगर आप ज़्यादा चीनी खाना चाहते हैं तो अपना उस हिसाब से आप चीनी रख लें, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अभी इसमें खोया भी डलेगा, खोया तो वैसे भी नमकीन और फीका होता है, होता तो दूध का ही बना हुआ है। चीनी हमने इस वजह से शामिल की है कि देखो, जब हम घी डालेंगे उस वक्त अगर चीनी डालेंगे तो चीनी मिक्स भी नहीं होगी, और एक अजीब सी वो लैस सी, और एक अपना एक वो दूसरी चीज़ बन जाएगी, इसलिए हम चीनी जो है दूध में ही शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से खुश्क होने देंगे, ताकि पूरा दूध जो है खुश्क हो जाए। इसे हलाते जाएंगे, इसे छोड़ना नहीं है। ये देखें, जब तक इसका पूरा दूध खुश्क नहीं हो जाता तब उससे पहले हम इसमें घी नहीं शामिल करेंगे। अच्छा, तो देखें दूध खुश्क हो रहा है, तो अब इसमें से चमचा नहीं है आपने मतलब छोड़ना, इसको लाते जाना है कि नीचे से लग ना जाए। ये जब अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसमें घी शामिल करेंगे। ये ज़रा सा रह गया, ये भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें घी शामिल करूँगी। चमचा इसमें हलाना नहीं छोड़िएगा आप। मैं इसमें घी शामिल करूंगी,
और घी जो जाएगा वो इसमें कम से कम आधी प्याली के करीब, और मैं घी डाल रही हूँ इसमें देसी। इसकी बनाई होगी घी के अंदर अच्छे तरीके से। इसको और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी बनाई करनी है कि जो जरा सा जो बाकी बचा हुआ था दूध वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब हम इसकी 10-15 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और 5 मिनट के बाद जो है मैं इसमें खोया शामिल कर दूंगी। चीनी मैंने पहले भी बताया, आपके हसबे जायका अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है कम पसंद है आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। ये देखें हमारी भुनाई हो रही है, 5 मिनट हो गए हैं। जो मैंने घी डाला था ये ऊपर आना शुरू हो गया है। ये अभी इसकी और भुनाई होगी मैं, मगर इस कंडीशन में आके मैं अब इसमें खोया शामिल कर दूंगी। ये मैंने खोया रखा हुआ था, आप भी किसी अच्छा खोया लीजिएगा। ये मैं हाफ इसमें डाल दूंगी खोया। ये मैंने खोया डाल दिया है इसमें, अब मैं खोए को इसके साथ मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। और आग इसकी मैं थोड़ी दरमियानी कर दूंगी ताकि ये नीचे से लगे ना, और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी। जो घी डाला था वो भी बिल्कुल पूरा था, माशाल्लाह से वो भी पूरा था, बिल्कुल कोई ऊपर तैरता हुआ घी नहीं नज़र आ रहा। बस इसकी थोड़ी सी बुनाई होती है थोड़ी सी अच्छे तरीके से बस। और वो बुनाई के वक़्त जो है आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये फिर नीचे से लग जाएगा और फिर वो मज़ा नहीं आएगा हलवे का। बस अब हम मैं इसको 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा भुनाई करूंगी, उसके बाद जो है मैं इसे डिश आउट कर दूँ। मैंने सोचा कि मैं डिश आउट करने से पहले आपको इसका बता दूं कि जब ये तैयार हो जाता है बिल्कुल, तो ये देखें ये बिल्कुल हलवे की तरह जो होता है ना, ये देखें साइडों से बिल्कुल जो है ये चिपकता नहीं है। ये इसकी निशानी होती है कि अब हलवा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो है मैं इसे उतार रही हूँ। मैंने कहा आपको मैं बता दूं इसका वो तरीका। ये देखें गाजर का हलवा हमारा तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का है। और इसमें जो मीठा है वो भी बिल्कुल बराबर है। मैं चम्मच से चख के दिखा देती हूँ आपको ज़रा से साइड से। बिल्कुल बराबर है। आधा किलो मैंने गाजरें ली थी, 1 किलो मैंने दूध लिया था जिसमें मैंने गाजरों को अच्छे तरीके से पकाया है, और चीनी जो है मैंने इसमें 6 चम्मच ली थी। मैंने इसमें चीनी के खाने वाले जो चम्मच हैं वो 6 लिए थे। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीनी उस वक्त दूध में शामिल कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ये बराबर है इसमें मीठा, और आपके सामने है। और घी की प्याली भी जो मैंने ली है इसमें आधी प्याली मैंने ली है, कोई ज़्यादा घी नहीं है इसमें, देख ले अपना बहुत मज़े का है। अगर आपको ये हमारी गाजर वाली की हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।